आईपीएल का कारवां अब धीरे धीरे प्लेऑफ की ओर बढ़ रहा है। टीमों के बीच कश्मकश लगी हुई है, कौन टॉप चार में पहुंचेगा कौन नहीं ये बात बाद में तय होगी। हालांकि दो स्पॉट तय भी हो चुके हैं, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में सबसे पहले जगह बना ली, लेकिन फिलहाल आईपीएल की कई टीमें मुश्किल में पड़ी हुई नजर आई हैं। हुआ यूं है कि आईपीएल टीमों में खेलने वाले इंग्लैंड के कई खिलाड़ी घर वापस लौट चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ एक टी20 सीरीज खेलनी है और इसके बाद फिर टी20 वर्ल्ड कप भी है। राजस्थान रॉयल्स के ओपनिंग बल्लेबाज जॉर्ज बटलर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विल जैक्स के साथ ही रीस टॉपली भी अपने देश वापस लौट गए हैं। इसके अलावा फिल सॉल्ट, मोइन अली, सैम करन भी इंग्लैंड लौट चुके हैं। जॉनी बेस्टो भी उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो इंग्लैंड के लिए वापस रवानगी कर चुके हैं। आईपीएल में इस वक्त सबसे बड़ा बवाल इसी बात को लेकर हो रहा है। इसी बवाल को लेकर इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक तीखा ट्वीट किया। पठान ने इस पर नाराजगी जताते हुए पोस्ट में लिखा, या तो पूरे सीजन उपलब्ध रहो या फिर आओ ही मत। पठान की बात कहीं ना कहीं सही भी है। आईपीएल को हमेशा से ही विदेशी खिलाड़ियों ने फॉर ग्रांटेड तो लिया है, जब मन करता है आते हैं और जब मन करता है चले भी जाते हैं। असल में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2 जून से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए अपने खिलाड़ियों को अचानक ही वापस बुलाने का फैसला किया था। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके चलते बोर्ड ने टफ फैसला लिया था। अब इसने राजस्थान समेत कई फ्रेंचाइजियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। सिर्फ बटलर ही नहीं बल्कि प्लेऑफ में पहुंच चुकी है इसकी रेस में बनी हुई कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों के इंग्लिश खिलाड़ी भी या तो लौट चुके हैं या एक दो दिन में लौट जाएंगे। इंग्लिश प्लेयर्स के जाने से टीमों को नुकसान भी होने लगा है। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स को पंजाब किंग्स के हाथों 5 विकेट की शिकस्त झेलनी पड़ी। संजू सैमसन की टीम की ये लगातार 4थी हार थी। बटलर का आईपीएल 2024 में भी प्रदर्शन कमाल कर रहा था, जहां उन्होंने 11 मैचों में 39.89 की औसत से 359 रन बना दिए थे। इसमें 2 शतक भी शामिल थे। रॉयल्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन उसे अपने विकेट कीपर बल्लेबाज की कमी आगे इस टूर्नामेंट में खलेगी। इसी बात को देखते हुए पठान ने नाराजगी जाहिर की। पठान ने ट्वीट तो किया ही, इसके अलावा अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में भी जॉर्ज बटलर की जमकर आलोचना की। अब ये होना ही था। इंग्लैंड के प्लेयर्स हर टीम को बहुत ज्यादा मजबूती देते हैं, लेकिन उनका ऐसे बीच में चले जाना टॉप 4 की टीमों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा कर सकता है। अब इस बात पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि टॉप 4 में पहुंची हुई टीमों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी तो कर सकता है, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स के दम पर टीमें आगे भी मैचेस जीत सकती थी, आगे उनका प्रदर्शन और अच्छा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन खिलाड़ियों के चले जाने से टीमों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम दिपेश है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।